अब हम करने वाले हैं लेजर्स। कंपनी वही है, लिस्टेड। लिस्टेड क्यों ली मैंने? क्योंकि डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। अनलिस्टेड में हमें बनाना है डीआरआर, ऐसा नहीं है बट फिर भी हमें लेजर्स बनाने हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंट्रीज़ हैं उन्हें प्रॉपरली प्लेस किया जा सके। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, 15,000 10% डिबेंचर्स है उनके पास, 100 रुपीज़ ईच का। आप मल्टीप्लाई कर लो 100 को, कितना आ जाएगा? 15 लाख। वी आर गिविंग 15 लाख। ठीक है, अब रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दे देंगे। अब हम कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली हम डीआरआर नहीं बनाएंगे पर डीआरआई बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो बनानी है। अच्छा, कब कर रहे हैं हम रिडेम्पशन? 31 मार्च 2019, है ना, 31 मार्च 2019। तो हमारा डीआरआई कब बनना चाहिए? सोचो, इससे पहले अप्रैल में। कब आएगा? अप्रैल 2018 में। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2018। नॉर्मली हम बनाते हैं 30 अप्रैल को, बट 1 अप्रैल इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड। जो भी आपके सम में लिखा हो वैसा हम मान सकते हैं। यहाँ पे मान रहे हैं कि 1 अप्रैल को ही आपने डीआरआई बना दिया है। 1 अप्रैल, हाउ वी मेक डीआरआई? डीआरआई अकाउंट, डिबेंचर, रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट। ओके, तो ये हमने बैंक अकाउंट में, अब बैंक अकाउंट से पैसा गया है कितना, क्या अमाउंट होता है? 15%। यस, करेक्ट। तो 15 लाख का 15% निकालो, 15 × 15 = 25। यस, ठीक है, चलो 15 लाख का 25 नहीं, 15%। ठीक है, 15% कितना होगा? दैट इज 2,25,000। यस, करेक्ट, वेरी गुड, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई है हमारी। तो यहाँ पे 2,25,000, यहाँ भी 2,25,000। ओके, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है, याद रखना। नरेशन लिखना ज़रूरी है, याद रखना, बार बार याद दिलाती हूँ। ओके, यू हैव टू राइट। आपने डीआरआई बना दिया, अब क्या करना है? सीधा आ जाओ कौन सी डेट पे, जब आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो। कौन सा है डेट? दैट इज 2019, नेक्स्ट ईयर है, 31 मार्च। अब क्या करें? पहले एक काम करते हैं, डीआरआई को क्लोज कर देते हैं, यही करते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो हम डीआरआई को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट इग्नोर किया जा रहा है, टीडीएस इग्नोर किया जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, कितना? 2,25,000। हियर ऑल्सो 2,25,000। ओके, चलिए, अब उसके बाद क्या करना है? हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है ना। चलिए, 31 मार्च को ही सेम क्या एंट्री होगी रिडेम्पशन की? 10% डिबेंचर्स हैं हमारे, 8%, 9% डिबेंचर्स नहीं हैं, ध्यान रखना। अब हम करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। रिडेम्पशन की एंट्री में क्या करेंगे? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हम 5% प्रीमियम भी दे रहे हैं, 5% प्रीमियम, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना पेमेंट दे रहे हैं हम? 15 लाख तो डिबेंचर्स के पास जाएगा। 15 लाख का 5%, चलो निकालो, 15 लाख का 5%, दैट इज 75,000। 15 × 5, 75। ओके, चलो अब इसके टोटल कर दें, 15,75,000। गॉट इट? तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री ट्रांसफ़र की, आप क्या करें, पेमेंट देना है ना, तो अब हम पेमेंट दे देंगे। सेम डेट, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक। कहीं पे भी नरेशन लिखना मत भूलना। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक, यहाँ पे आ जाता है 15,75,000, यहाँ भी 15,75,000। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं नरेशन, सब में डालनी है, ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं लेजर्स। अब आपको याद होगा आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर लेजर्स बनाए हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ कि लेजर्स बनाने कैसे हैं, पहले कितने बनेंगे इसमें देख लेते हैं। चलो, पहला DRI का लेजर, ठीक है, दूसरा बैंक का लेजर 2, तीसरा डिबेंचर्स का 3, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4, डिबेंचर होल्डर 5, मतलब 5 अकाउंट्स बनेंगे हमारे। मैं पहला बना रही हूँ बैंक का, क्योंकि आपने शेयर्स में भी बनाया है, अब डिबेंचर में भी बनाओगे। जब वो बोलते हैं कैश बुक या बैंक का अकाउंट हमें बनाना है, तो बैंक की सारी एंट्रीज उसमें डाली जाएंगी। मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं पहले बैंक का बना रही हूँ, उसके बाद वी विल मेक फॉर अदर्स। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एंट्रीज़ मिले उसमें इशू की एंट्री भी हो, फिर रिडेम्पशन की एंट्री हो, दोनों की हो, तो आपका जो अकाउंट होगा वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो जाएगा। मैं अभी इसको क्लोज नहीं करूँगी, ठीक है। आपके इशू की भी एंट्री होती हैं और आपके रिडेम्पशन की एंट्री भी होती हैं, दोनों को मिलाकर हम लेजर बनाने वाले हैं। पहले समझो लेजर बनाना कैसे है। चलो, बैंक अकाउंट बनाते हैं। ओके, बैंक अकाउंट लेजर में ध्यान रखना है, हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। नॉट लाइक जर्नल, जर्नल की तरह हमारा फॉर्मेट नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, नॉट LF, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अगेन JF एंड वी हैव अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ आता है डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे JF, क्योंकि आप लेजर बना रहे हो तो जर्नल के साथ आपको उसकी कनेक्टिविटी करनी है, तो JF, यहाँ पे अमाउंट, और दिस साइड यू विल राइट डेबिट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अगेन JF, अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट। ये याद है आपको, आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सारे जितने भी अकाउंट आप बनाओगे इस तरीके से बनाओगे, ज़्यादा एंट्रीज नहीं हैं, देख सकते हो। चलो, बैंक की एंट्री ढूंढो सबसे पहले, क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक की एंट्री ढूंढते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में बैंक है ना, फर्स्ट एंट्री के अंदर बैंक है। चलिए, बैंक कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे, तो हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्या ऊपर क्या है, DRI, सो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे 1 अप्रैल रहेगी, 1 अप्रैल डेट, बाय DRI, बाय DRI जो डेबिट में होता है उसको लिखते हैं। देखो, बैंक क्रेडिट हो रहा है, मतलब बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। किसकी वजह से बैंक क्रेडिट हो रहा है, DRI की वजह से, तो DRI लिखते हैं। ये नॉर्मली हम बोलते हैं अमाउंट अपना, साइड अपना, बट नेम सामने वाले का, याद रखना है। अमाउंट अपना, साइड अपना, बट नाम सामने वाले का, अमाउंट अपना, साइड अपना, बट नाम सामने वाले का, ध्यान रखना है। तो ये लेजर का एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। सो ये आ जाएगा मेरा 2,25,000। ओके, दिस वन डन। ये हमने क्या किया, DRI से हमारे क्रेडिट में हो गया। नेक्स्ट देखो, अब वापस बैंक डेबिट हुआ है, वापस से पैसा आ गया, 2 DRI, है ना, कब, 31 मार्च, यहाँ पे 2019, 31 मार्च 2018 आप लिख लेना यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन बैंक कहाँ है, डेबिट में दिख रहा है, बैंक डेबिट में है, मतलब डेबिट में लिखना है अपने को, ये तो समझ में आ गया। सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, सामने वाला क्या है, वही DRI, तो यहाँ लिखेंगे 2 DRI, ध्यान रखना है, 2 DRI, ध्यान रखना है। यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ बाय लिखते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, अब आजकल नहीं लिखते हैं, चल जाएगा। सेम वे 2,25,000, ठीक है, सेम अमाउंट है हमारा, कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट बैंक कहाँ है, एक और यहाँ क्रेडिट में है, बैंक क्रेडिट में है, तो आप क्या लिखोगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, यहाँ लिखें 31 मार्च 2019 बाय डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, है ना। यहाँ पे अमाउंट लिखें 15,75,000, ओके। अब मैं इसको क्लोज नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लोज करने के लिए मुझे और भी एंट्रीज चाहिए होंगी, या फिर अगर आपको करना भी पड़े तो अलाउड है। कैसे करना है, देखो क्रेडिट साइड पे जो भी अमाउंट है, क्योंकि और कोई एंट्री नहीं है बैंक की, नहीं है ना बैंक की कोई भी एंट्री, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट का ज़्यादा है टोटल, पहले यहाँ का टोटल कर लो, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस, याद है ना सबको, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखते हैं हम कैरेट डाउन क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं। कब जाएगा, सेम 31 मार्च को, क्योंकि उसी दिन क्लोजिंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, दिस इज 18 लाख, इस 18 लाख में से 2,25,000 माइनस जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे लिख देना है, एंड यू हैव टू क्लोज, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सेम वे क्या करना है, अगर मेरे को DRI का अकाउंट बनाना हो, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, डिबेंचर, यहाँ ध्यान रखना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF लिख लोगे, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अगेन JF एंड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड समझ में आया, क्रेडिट साइड। अब DRI को मैं बता रही हूँ, सिर्फ DRI का पहला एंट्री, DRI डेबिट में है, डेबिट में आएगा यहाँ पे टू बैंक, सामने वाले का नाम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, कितना अमाउंट, 2,25,000। सेम वे नेक्स्ट, DRI क्रेडिट में है ना, 31 मार्च को DRI क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखना है हमें, जहाँ है हमारा, जहाँ साइड है वहाँ सामने वाले का नाम ध्यान रखना है, 31 मार्च यहाँ पे बाय 2019 बाय बैंक 225, आ गया पूरा, कुछ और तो है नहीं DRI से रिलेटेड, तो क्या करना है, पूरा ही क्लोज हो गया, नो बैलेंस कैरेट डाउन, नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, दोनों के अमाउंट एग्जैक्ट बराबर हैं। यहाँ पे टोटल लिख लेना 2,25,000, ओके, यहाँ भी 2,25,000, यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर करने की ज़रूरत थी। हमेशा लेजर बनाते वक्त ध्यान रखना है, साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम सामने वाले का, हमेशा। अब जैसे डिबेंचर्स यहाँ पे डेबिट है, तो अगर यहाँ डिबेंचर अकाउंट होगा, ठीक है, तो वहाँ हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, सामने वाला नाम कौन सा है, डिबेंचर होल्डर्स, तो यहाँ हम डिबेंचर होल्डर्स लिखेंगे, अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अपना, साइड अपना, अमाउंट अपना, नाम सामने वाले का, साइड अपना, अमाउंट अपना, नाम सामने वाले का, वो ध्यान रखना है, ठीक है। करेंगे एक ऐसी एंट्री का भी लेजर पोस्टिंग करेंगे इसके बाद, पहले ये वाला एक पार्ट देख लो। अब हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज़ की, लिस्टेड कंपनीज़ कैसे अपने डिबेंचर को रिडीम करेंगी, ठीक है। हम लिस्टेड कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक अज्यूम कर रही हूँ, एक लिस्टेड कंपनी ने 50,000 10% डिबेंचर्स 50,000 10% डिबेंचर्स एट ₹10 इशू किए हैं, ठीक है। मैं एक अज्यूम कर रही हूँ, डेट मान लो 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। 2018 को इन्होंने इशू किए हैं, पर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं 55,000। मतलब हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 55,000 की आई है। ठीक है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, ठीक है। अब इन्हें रिडीम भी करना है, रिडम्पशन भी होना है। मान लेते हैं हमारा 30 जून 2020 को हम रिडम्पशन करने वाले हैं। ठीक है, रिडम्पशन करने वाले हैं। अब कंपनी बोल रही है कि DRR DRI बनाओ, हमें करना है रिडम्पशन। ओके, तो कंपनी को क्या बनाना है? अब DRR DRI बनाना है। लिस्टेड कंपनी है, DRR बनाना है। सोचो, बैंकिंग कंपनी में तो हमने DRR भी नहीं बनाया था, DRI भी नहीं बनाया था। लिस्टेड कंपनी में क्या होगा? लिस्टेड कंपनी में ध्यान रखना है DRR नहीं बनेगा बट DRI बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, सो DRR नहीं बनेगा, DRI बनेगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अब कंपनी ने बोला भाई 1 अप्रैल को हमने DRI बना लिया है, मतलब उसकी एंट्री तो हमें पास करनी है, बट आप बताओ कि हम 1 अप्रैल को DRI बना रहे हैं, तो आप एंट्री बताओ क्या करें, कैसे करें। चलो एंट्री करें, स्टार्ट करें। चलिए, ठीक है, क्या करेंगे? पहले हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट, यहाँ से हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स। अब सारी एंट्री तो यहाँ आएंगी नहीं, विल राइट देयर ऑल्सो, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम करें इशू की एंट्री। यहाँ पे हम इशू और रिडेम्पशन दोनों की ही एंट्री करने वाले हैं। पहले करते हैं इशू की एंट्री, 1 अप्रैल 2018। चलो, इशू की याद करो, क्या थी सबसे पहली एंट्री? हमेशा हम पैसा पहले रिसीव करते हैं। सो इट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, आगे एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों हमने लिखा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों? क्योंकि हम लमसम ले रहे हैं, पूरा पैसा एक साथ ले रहे हैं, इसीलिए हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखा है। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, चलिए, कितना पैसा आया? 50,000 × 10 और 55,000 × 10। कितनी एप्लीकेशन रिसीव की आपने? 55,000 × 10। तो सिंपल, आपके पास पैसा आया है 5,50,000। यहाँ पे 5,50,000। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये पैसा डालना पड़ेगा डिबेंचर्स में। ठीक है, सेम डेट अलॉट हो रही है, सेम डेट पे कर सकते हैं हम। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर में जाएगा टू बैंक। अब ये बैंक में क्यों गया अमाउंट? क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया था, तो एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ी। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5,50,000 आ गए थे, हमें कितने चाहिए? 50,000 × 10, मतलब 5 लाख ही चाहिए। तो डिबेंचर के अंदर अमाउंट आएगा हमारा 5 लाख और बैंक के अंदर हमारा अमाउंट जाएगा 50,000। ओके, तो बैंक के अंदर हमारा अमाउंट कितना जाएगा? 50,000। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, गुड। अब हमारी इशू की एंट्री हो चुकी है। इशू की एंट्री के बाद कंपनी ने क्या बोला कि 1 अप्रैल को हमने DRI बना लिया है। DRI दैट इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRR बनाना ही नहीं है क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में DRR नहीं बनाते, DRI बनाते हैं। अब DRI बनाने की एंट्री याद करते हैं, उसे ही करते हैं। वापस फॉर्मेट के बिना काम नहीं चलेगा। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। ओके चलिए अब क्या करना है डीआरआई। डीआरआई कब बना रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बताया है डेट, तो हम उसी डेट पे बना रहे हैं 1 अप्रैल 2000। अब यहाँ पे 20 भी हो सकता था अगर ना बताए तो 30 अप्रैल 2020, पर अभी उन्होंने बताया है तो उसी डेट पे ही हम वो डीआरआई बनाएंगे। ठीक है, बनाने की एंट्री डिबेंचर, क्या है डीआरआई का फुल फॉर्म? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ओके कितना बनाएंगे? कैलकुलेट कितना परसेंट बनाते हैं हम, कितना परसेंट बनाते हैं? लमसम कर रहे हैं, पूरा एक साथ रिडीम करने वाले हैं। ये 5 लाख के 5 लाख पूरे रिडीम करने वाले हैं। यहाँ पे नरेशन मत लिखना, मत भूलना, ध्यान रखना। ठीक है, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर एंड रिफंड द एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना पैसा डालेंगे? दैट इज 15%। तो 5 लाख इनटू 15% दैट इज 75,000। तो हम यहाँ पे 75,000 डाल दिया हमने, DRI बना दिया। सो हियर यू कैन राइट दैट DRI created 15% of debentures to be redeemed. ठीक है, of 15% डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। चलिए तो नेक्स्ट वन, अब क्या करना है? अब हमें रिडम्पशन करना है, सिंपल। तो जिस डेट पे हम रिडम्पशन करने वाले हैं दैट इज़ 30 जून, उस दिन हम ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म करेंगे। पहले हमें इस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना है, फिर डिबेंचर्स को देना है। हाँ, इसमें आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अब देखो 1 अप्रैल 2019 को आपने इन्वेस्टमेंट की, 30 जून 2020 को आपको वो रिडीम करना है, वो आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म करना है। तो आपको 1 ईयर अबव आपका इंटरेस्ट मिल सकता है ना। 1 ईयर अबव आपने 1 अप्रैल को किया, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 ईयर पूरा हो गया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ का अगेन और इंटरेस्ट मिल सकता है ना। वो इंटरेस्ट वाली एंट्री अभी नहीं करते, अभी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करेंगे और अपने रिडम्पशन करेंगे अपने डिबेंचर्स का। दैट इज़ ऑन 30 जून 2020। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? इसको ख़त्म करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। मैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की जगह DRI लिख रही हूँ अभी, आप इसे पूरा लिखोगे। बैंक से हमने पहले पैसा निकाल लिया, कितना? 75,000, here also 75,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे being DRI resolved और मे बी taken back और मे बी refunded और मे बी जैसे आपको लिखना हो, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देन 30 जून को ही हमें क्या करना है? अपने डिबेंचर को रिडीम करना है। डिबेंचर रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है? जब हम रिडीम करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती है? यस, हाँ परफेक्ट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, है ना। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना पूरा पैसा दे रहे हैं? सो इट इज़ 5 लाख हियर एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 5 लाख। ओके 5 लाख 5 लाख। देन इट कम्स टू अगेन 30 जून, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमें पेमेंट करना है टू बैंक, यहाँ पे वापस 5 लाख, हियर ऑल्सो इट इज 5 लाख। ओके डन, यहाँ पे आप याद से नरेशन लिखना, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग पेमेंट डन। तो ये आपकी एंट्री हो गई सारी आपकी रिडेम्पशन की। ध्यान रखना, एक लिस्टेड कंपनी अगर है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको अगेन, ये तो इशू की एंट्री है, पता ही है, पैसा आया जो एक्स्ट्रा था हमने दे दिया। अगर लिस्टेड है तो DRR नहीं बनेगा, DRI बनेगा। DRR बनने की एंट्री बना दी हमने, नहीं DRI बनने की, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, DRR नहीं बनेगा। DRI बना, उसको ख़त्म किया। जब भी जिस भी डेट पे आप मैच्योर कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, अपने डिवेंचर ख़त्म कर रहे हो, उस डेट पे आपको DRI ख़त्म करना है। फिर आपको नॉर्मल रिडम्पशन की एंट्री करनी है, जो दो हम कर चुके हैं पहले भी और बार बार करते रहेंगे, ठीक है। आगे और हम देखेंगे अनलिस्टेड का क्या करेंगे, NBFCs का क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहो, देखते रहो, बहुत ईजीली समझ आएगा।